कभी कभी आपको यह नहीं लगता कि जो इंडियन आर्मी हो, इंडिया की जो डिफेंस कंपनी है, उनके साथ में सौतेला व्यवहार करती है? आपने तपस ड्रोन के बारे में सुना होगा, क्योंकि तपस ड्रोन ने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली थी, थोड़ा उसकी ऊंचाई में कमजोरी रह गई थी, तो इंडियन आर्मी ने उसको फेल करार दे दिया, मतलब बिल्कुल फेथ नहीं रखा, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगाए थे उस प्रोजेक्ट में। और इंडियन आर्मी ने कहा कि हमें MQ-9 रैपर चाहिए, अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी का है। उसके बाद में क्या हुआ, 2017-18 की बात है, हाउडजर बनाया था इंडिया की डिफेंस कंपनियों ने, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको शामिल नहीं किया, लेकिन आर्मेनिया की आर्मी को लगा कि भाई इंडिया की कंपनी ने बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, और उसने ले लिया। 155 mm यानी 52 कैलिबर की उसमें सेल लगती है और 48 किलोमीटर लंबा मार करती है। अभी जिस सेल पे काम चल रहा है, अगर वो वाली सेल आ गई तो 90 किलोमीटर का रेंज भी हासिल कर लेगी वो हाउडजर। आपने कभी सुना है कि जिस देश में डिफेंस इक्विपमेंट बना हो, उस देश की आर्मी उसको यूज ना कर रही हो, लेकिन दूसरे देश की आर्मी उसे यूज कर रही हो? ये चाइना पाकिस्तान के केस में होता है, इसको छोड़ गया और कहीं नहीं होता। इंडियन आर्मी स्ट्राइकर खरीदना चाहती है अमेरिका से, ये आर्मेड व्हीकल होता है, 8 चक्के इसमें लगते हैं, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हो, आर्मी वालों को इधर से उधर ले जा सकते हो, इसके अलावा इसमें कोई विशेष खूबी नहीं है। लेकिन टाटा ने बनाया है विल्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म नाम का एक व्हीकल, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा पावरफुल इंजन इसमें लगा हुआ है। और आजकल आप लोग ड्रोन का बहुत बवाल देखते होंगे, कहीं भी और होता है ड्रोन आके बम छोड़ के चला जाता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। टाटा वाले व्हीकल में ऐसे रडार लगे हुए हैं कि कोई ड्रोन इसको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा और आराम से ये सबको हैंडल कर लेगा। और इसको खरीद लिया मोरक्को की आर्मी ने 150 यूनिट, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको भी सपोर्ट नहीं किया, इंडियन आर्मी ने नहीं खरीदा, इंडियन आर्मी अमेरिका का स्ट्राइकर खरीद रही है। तो जो सेल्फ रिलियंट या जो आत्मनिर्भर भारत था, वो इंडियन आर्मी के लिए था, इंडिया के लिए था, या मोरक्को और आर्मेनिया के लिए था? लेकिन आर्मेनिया और मोरक्को की आर्मी तो फुल सपोर्ट दिखा रहे हैं, अपनी खुद की आर्मी सपोर्ट नहीं दिखा रही, फेथ बिल्कुल नहीं रख रही इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट में, जबकि थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए ना।